I'm from Kerala, so this English is more comfortable for me. So my question here is, in fact, I'm a revert sister and just 1.5 to 2 months old. And I try my family to make them understand what Islam is and all that. So today, my dad put a condition like, you go to temple, you come with me to temple. So I will come here in peace conference. So as my dad is a very good person, he's kept his promise. He's come to peace conference. So my question is, what I did it was for the cause, for a good cause. But I had to go to temple and I was always telling, "Haus bilani min shaitani rajim." So what I did, was it wrong? And the second piece of advice, what would you like to, advise my, not advise, but at least make him understand what this Islam is. And I'm sure he's somewhere and he's listening. बहन का सवाल है कि वो केरला से है और अंग्रेज में और महारत रखती है. मैं बम्बई से और मैं भी अंग्रेजी में महारत रखता हूँ, लेकिन मजबूरी है क्योंकि ये सवाल जो आपका सेशन उर्दू या हिंदी में है, तो मैं जिद्दोजहद कर रहा हूँ कि लोगों को पैगाम पहुँचाऊँ इस ज़बान में. बहन का सवाल है कि चंद महीने पहले, 2 या 3 महीने पहले उसने इस्लाम कबूल किया है और उसके वालिद जो अच्छे इंसान हैं, जब वालिद को उसने कहा कि आप पीस कॉन्फ्रेंस में आओ, तो वालिद ने शर्त लगाई कि आप अगर टेम्पल में आएंगे, मंदिर में आएंगे, तो मैं पीस कॉन्फ्रेंस में आऊँगा. तो उसके वालिद तो पीस कॉन्फ्रेंस में आ गए, तो क्या उसने जो शर्त लगाई वो सही थी या गलत थी? आपने अगर अपने वालिद को कहा कि टेम्पल में आप जाएंगी, टेम्पल में जाना गलत नहीं है, टेम्पल में बुत परस्ती करना, मूर्ति पूजा करना गलत है. मैं भी कई टेम्पल में जा चुका हूँ, कई टेम्पल में देखने के लिए टेम्पल में क्या है. तो अगर आप टेम्पल जाती है और मूर्ति पूजा नहीं करती है और दिल में मानती है कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, बुत परस्ती गलत है, तो टेम्पल में जाना कोई हर्ज नहीं है. लेकिन टेम्पल के सामने अगर आप सिजदा करेंगे मूर्ति को, तो गलत है. तो अगर आपने वादा किया है अपने वालिद से कि टेम्पल जाएंगे, बेशक जाइए उसके साथ, लेकिन बुत परस्ती मत कीजिए. डोंट डू आइडल वर्शिप. यू कैन गो टू द टेम्पल बट डोंट डू आइडल वर्शिप. Doing idol worship is wrong. If you believe in your heart that there is one God and idol worship is wrong, going to temple is no problem. So, जब तक आप बुत परस्ती मूर्ति पूजा नहीं करती, आप टेम्पल जा सकती है. और आपने कहा कि आपके वालिद से कुछ बात कहूँ ताकि इंशाल्लाह हिदायत मिले. मैं कहना चाहता हूँ इस बहन के वालिद से कि आप दिगर मजाहिब का मुताला कीजिए, चाहे बाइबल का, चाहे वेद का, चाहे भगवत गीता का, चाहे कुरान का, और आपको पता लगेगा कि सारे मजहबी किताब कहते हैं कि खुदा एक है और उस खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं. मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप पढ़ेंगे आपके वेद, जो मैं कह चुका हूं, उसमें भी साफ तौर से जिक्र आता है कि खुदा एक है और बुत परस्ती गलत है. जैसे मैंने कहा कि श्वेता श्वेता उपनिषद में अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19, यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में लिखा है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं. तो मूर्ति पूजा करना हिंदू मजहबी किताब के हिसाब से भी गलत है. ये कुछ हिंदू धर्म के ठेकेदार कहते हैं जो मजहबी किताब में नहीं लिखा है. तो मेरी इल्तिजा है आपसे, मेरी दरख्वास्त है आपसे कि आप अपनी किताब का मुताला कीजिए और जो ज्ञान रखते हैं आपके किताब के बारे में उनसे पूछिए उसमें लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है. और जो मैं हवाले दिया हूं आप उनसे पूछिए इसके क्या मानी है. एक एक मुसलमान कह रहा था, पतला सा टोपी पहने हुए दाढ़ी रखे हुए, कि मूर्ति पूजा गलत है. लिखा है श्वेता श्वेता उपनिषद अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में. ये क्या सही कह रहा है? आप लाइब्रेरी में जाओ और उसका तर्जुमा पढ़ो, आपको पता चलेगा क्या लिखा है. और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको हिदायत दे ताकि आप भी अपनी बेटी जैसे सही रास्ते पे आ सकें.